नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस नगर सेवक आरिफ खान उर्फ दादा ने किया खुलासा। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है। सभी उम्मीदवार अपने अपने तैयारी में जुटे हुए हैं। भिवंडी लोकसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस हाईकमान ने माजी खासदार सुरेश टावरे को दिया है। फिर भी कई कांग्रेसी नगर सेवक जो अपने आप को कट्टर कांग्रेसी समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी पैरासूट उम्मीदवार के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमारे सुरेश टावरे को जब बी फॉर्म मिलेगा तभी हम सुरेश टावरे का काम करेंगे, लेकिन वो हमारी मजबूरी होगी। इस संदर्भ में हमारी टीम ने कांग्रेस के नगर सेवक आरिफ खान उर्फ दादा से चर्चा किए। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आज जो भिवंडी शहर के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश टावरे जी की ऑफिस का जो ओपनिंग हुआ, तो उसमें महापौर साहब नजर आए, कांग्रेस के अध्यक्ष शोएब गुड्डू नजर आए, मगर कोई नगर सेवक वहाँ नजर नहीं आया। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? नगर सेवक वहाँ नहीं आए, हो सकता है किसी को कुछ काम होगा। और बहुत से लोगों का ये मामला था कि उनको जो मैसेज आया था उसमें ये लिखा था कि उनकी पर्सनल ऑफिस की ओपनिंग है, पार्टी ऑफिस की ओपनिंग नहीं है, ऐसा लिखा नहीं था उसमें। तो इस वजह से बहुत लोग नहीं गए कि उनकी पर्सनल ऑफिस की ओपनिंग है। नहीं, देखा जाए कि जो थाना में पत्रकार परिषद हुआ था पैराशूट के उम्मीदवार के लिए, वो एक भी नगर सेवक आप उपस्थित नहीं थे। ये मतलब बहुत बड़ा गंभीर विषय है ना। लोगों को मैसेज यह आया था कि उनकी पर्सनल ऑफिस की ओपनिंग है। अगर मैसेज यह आया होता कि पार्टी ऑफिस की ओपनिंग है या कैंडिडेट की ऑफिस की ओपनिंग है तो नगर सेवक जाते। उन्होंने कहा कि उनकी पर्सनल ऑफिस की ओपनिंग है, इसके लिए शायद नहीं गए होंगे। नहीं तो लोगों को ऐसा भी मैसेज जा रहा है कि हो सकता है अभी पैराशूट के उम्मीद लगाए लोग बैठे इसलिए नहीं गए। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हो सकता है भरोसा हो लोगों को। आप लेकिन हम लोगों का यह मामला है कि जो हाईकमान का फैसला रहेगा वो हमारे सर हाथों पर रहेगा। जिस दिन बी फॉर्म आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए वो चले जाएंगे, हम तब उनके साथ रहेंगे, लेकिन साथ में जो रहेंगे वो हम अपने शरायत के हिसाब से रहेंगे। लेकिन अभी तक आप उनके साथ में क्यों नहीं, इसकी वजह क्या है? हम साथ में ही है उनके, हम उनके या किसी के साथ में नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ पार्टी के साथ में, हम कांग्रेस पार्टी के साथ में है, हम राहुल गांधी के साथ में है, हम अशोक राव चौहान के साथ में। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सीट जीत के आवे, क्योंकि फिलहाल हिंदुस्तान में एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत ही कीमती है। कांग्रेस को एमपी की बहुत ज्यादा जरूरत है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, इसके लिए एक एक एमपी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लगता है सुरेश टावरे को टिकट मिला तो जीत कर नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? जीत के आएंगे, क्यों नहीं जीत के आएंगे, मेहनत करेंगे हम लोग उनके लिए। लेकिन उनके जीतने, उनके लिए कुछ करने से पहले उनको हमारे साथ में बैठ के, आवाम के साथ में बैठ के कुछ वादा करना पड़ेगा हमारे शहर के लिए, शहर के विकास के लिए। हमारे शहर में बहुत ज्यादा मसाइल है, और आज 25 साल से 30 साल से हमारे शहर में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि जिसने हमारे शहर को मसाइल को उठाया हो। ठीक है, पहले दामू वर्गू सिंगड़ा था 15 साल, उसने खराब कर दिया। उसके बाद सुरेश चौधरी साहब आए 5 साल में, उन्होंने कुछ किया, मेरे हिसाब से तो कुछ उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया जो ज्यादा करना चाहिए भिवंडी शहर के लिए। उसके बाद भी कपिल पाटिल साहब आए, उन्होंने थोड़ा बहुत जो रोड रस्ते का काम किए, लेकिन जो मेन मसाइल है हमारे शहर के, आज भी तुम इंदिरा गांधी चले जाओ कोई फैसिलिटी नहीं है। 10 लाख की 20 लाख की आबादी, 15 लाख की आबादी है हमारे शहर में, लेकिन इंदिरा गांधी में जाने के बाद कोई फैसिलिटी नहीं है। जब जाओ वहाँ पे सीधा थाना भेज देते, तो ऐसा क्यों है? ये सब काम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है। हमारे शहर में लूम है, लूम के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कई लाखों लोग हैं लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। कारीगर है हमारे, कारीगर को कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। लोग बोलते हैं कि सेठ को देना चाहिए, लेकिन ठीक है सेठ कारीगर को फैसिलिटी और हर चीज देगा, लेकिन उसको इनकम होगी, कमाई होगी तो सेठ देगा ना इनकम। तो ऐसी गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाना चाहिए जिससे यान का भाव जो होता है वो एक फिक्स हो जावे, उसके बाद जो कपड़े का भाव होता है वो एक फिक्स हो जावे, जितना खर्चा आता है उस, जैसे जिस तरह किसानों को गवर्नमेंट हर तरह से सुविधा देती है हर चीज की, उस तरह हम हमारे भिवंडी शहर के बुनकरों को कोई सुविधा क्यों नहीं मिलती है? और शहरों में लोग 8-8 घंटा काम करते हैं, उसके बाद अच्छी लाइफ जीते हैं, हमारे शहरों में लोग 12-12, 14-14 घंटा, 18-18 घंटा, 12-12 लूम चला के भी एक कारीगर पेट भर के खाना नहीं खा पाता है। तो ये सब गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने वाला हमको कोई प्रतिनिधि या कोई एमपी नहीं ऐसा मिला कि जो हमारे भिवंडी शहर को लेके कोई पॉलिसी बनावे। जिस तरह से किसानों के लिए हर कोई बोलता है, बुनकरों के लिए कोई कुछ नहीं बोलता है कोई। अच्छे, जो आदमी किसी और पार्टी का है तो वो आदमी का समर्थन कांग्रेस के नगर सेवक कर रहे हैं, जो आदमी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है तो उसके खिलाफ क्यों है?
आखिर बालिया मामा से भिवंडी शहर के नगर सेवकों का क्या साठगांठ हुआ? कोई किसी के खिलाफ नहीं है, सब पार्टी के साथ में है और पार्टी के वो एक एमपी भिवंडी शहर से चुन के देना चाहते हैं, इसके लिए लोग बालिया मामा का नाम ले रहे हैं। बालिया मामा ने शहर का क्या विकास किया है कि उनका नाम लिया जा रहा है? अभी तक वो जीता ही नहीं तो विकास क्या करेगा? नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि जीतने के बाद ही विकास करेंगे, जीतने के बाद जरूर करेंगे विकास। और उससे पहले अभी भी जब से वो पॉलिटिक्स में है, बहुत से लोगों का बोलना है कि हम कोई भी मामला उनके पास लेके जाते हैं, किसी भी चीज का मामला वो हर चीज हल करते हैं। जैसे बहुत सा मामला आता है, कुछ भी मामला रहता है, लोग उनके पास जाते हैं तो वो सबका मामला हल करते हैं। तो क्या सुरेश तौरी जी खासदारी या मेयर में कोई शहर का विकास या कोई मामला हल नहीं किया अब तक के? 2009 से 2014 तक उन्होंने क्या किया, लोगों का तो बोलना है कि कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा बहुत काम किया है उन्होंने, लेकिन लोगों का बोलना है कि कुछ नहीं किया। जो करना चाहिए तुम बताओ ना मुझे कि उन्होंने शहर के लोन के लिए क्या किया 2009 से 2014 तक। टोरेन का मसला हमारे ऊपर इतना बड़ा है, टोरेन के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है, टोरेन अपनी मनमानी कर रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, वो जैसे चाहती है जो चाहती है वो करती है, तो ये सबके खिलाफ कौन बोलेगा? हमारी तो सुनवाई होती नहीं, हम एक नगर सेवक है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सुरेश टावरे से या कुछ नगर सेवकों की कुछ जाति दुश्मनी है, तो उस मौके का फायदा वो लोग उठा रहे हैं और कोई बात नहीं है। जाति दुश्मनी उससे होगी जो पहले के नगर सेवक है, लेकिन अभी तो 50 नगर सेवक नवे चुन के आए ना, तो भिवंडी उनकी जाति दुश्मनी क्या हो सकती है सुरेश टावरे साहब से? तो भिवंडी शहर में इतने पत्रकार है, ये पत्रकारों को छोड़ के थाने में क्यों मीटिंग रखी गई? यहाँ के पत्रकारों का हम बहुत सम्मान करते हैं और हमारा कोई मकसद नहीं था कि उनका मतलब उनका अपमान करना, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हमारा जो थाना में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमारा सिर्फ एक यही मकसद था और हम ये चाहते थे अगर हम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस भिवंडी में रखते तो हम लोगों को ये डर था कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष गुड्डू आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हमको मना ना कर देंगे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जाके थाना में करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, इसलिए हम लोगों ने जाके थाना में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इसका मकसद सिर्फ सोएब गुड्डू थे, जिनकी वजह से हम लोगों ने थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके रखी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।